ताकि हम स्थायी और बड़े परिणामों की ओर अग्रसर हो सके। ये था, तो इसको आपके वो जो बना के लाए हैं, देखने से पहले एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कैसे कैसे क्या कार्य करना है। पहली बात तो है कि कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, जो उदाहरण भी दे रखे हैं, वो आपके अपने प्रोजेक्ट हो सकते हैं कोई भी, कि 10 कोई भी वाइटल साथी तैयार करना, रॉयल्टी साथी तैयार करना, टेक्निकल साथी तैयार करना, ये अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। वितरण केंद्रों की बिक्री को लगातार बढ़ाना, ये तो केवल उदाहरण मात्र है। आप सबके लिए अलग अलग होंगे, सबके लिए सेम नहीं हो सकते हैं। टीम में शामिल होने वाले सभी नए साथियों को सक्रिय करने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया अब हमारी टीम में, ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है, और ये तो सभी को बनाना ही चाहिए। टीम में बड़ी संख्या में हाइजीन कैंप आयोजित करना, ये भी लगभग काफी साथियों के काम का हो सकता है, और गुरुकुल शिक्षा का विस्तार, तो ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। प्रोजेक्ट में और सामान्य तरीके में अंतर क्या होता है, प्रोजेक्ट में हम एक टीम को शामिल करते हैं विशेष कार्य के लिए, उसमें कुछ विशेषता होती है, वो कुछ बड़ा होता है, वो कुछ ज्यादा, तो टीम के साथियों का सहयोग उसमें लिया जाता है, तो जिम्मेदारी में सहयोग बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, आपसी सहयोग से बेहतर प्लानिंग हो पाती है, सबके ध्यान में होता है और सब मिलजुल करते हैं तो एक बढ़िया प्लानिंग हो जाती है, बड़े परिणाम लाना संभव हो पाता है। प्रोजेक्ट वाले कार्य धीरे धीरे स्थायी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, पहले तो हम प्रोजेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन बाद में वो वैसे भी सबकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो स्थायी गतिविधि भी बन जाती है, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है, अधिक ऊर्जा से कार्य हो पाता है। प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है, टीम के साथियों को लगना चाहिए कि यह हम सबका प्रोजेक्ट है, तो सबको साथ में लेकर प्लानिंग करना है, सबको साथ में लेकर चलना है, सबकी इच्छा को शामिल करना है, आपस में बिल्कुल ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट ऐसा बनाए जो परिणामों में ग्रोथ दे, ताकि सबका साथ मिलता रहे। ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो बिल्कुल रिजल्ट दिखे नहीं और बहुत जल्दी से उसमें रिजल्ट आएगी, सब साथी और भी ज्यादा एनर्जी से और ऊर्जा से इसमें शामिल हुए। टीम के सभी साथियों को प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा स्पष्ट होना चाहिए, जब में ऐसा नहीं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पता नहीं है कोई क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करना पड़े, लेकिन सबको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट है और कैसे काम करना है। सबकी जिम्मेदारी भी स्पष्ट तौर पर लिखित में बांट दे, सबको पता होना चाहिए कि मेरी ये जिम्मेदारी है, और उसको फॉलोअप भी करना है जिम्मेदारी का, जितने साथी चाहिए उससे दोगुना तैयार करें, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कई बार कोई साथी वो परफॉर्म नहीं कर पाता जब हम सोचते हैं, तो हमें डबल संख्या चाहिए, और उसमें भी ट्रेनिंग निरंतर होती रहनी चाहिए। कोई साथी वो डबल का रीजन जो था वो आगे देखो क्या लिखा हुआ, कि कोई साथी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं कर पाता है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं, फिर भी वो उतना नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं उसको छोड़ देना, पर उस काम की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट को छोटा नहीं करना है, उसकी किसी दूसरे साथी से या और क्या करना है। पहला हो सकता है उस साथी का फॉलोअप थोड़ा और करना पड़े, हो सकता है साथी की पुनः ट्रेनिंग करनी पड़े, उससे हो सकता है अन्य साथी द्वारा कार्य पूर्ण करवाना, लग रहा है कि वहां नहीं हो पा रहा तो अन्य साथियों का सहयोग उसमें लिया जा सकता है। कार्य की निरंतर रिपोर्ट लें, लगातार काउंसलिंग में जरूरत के अनुसार चर्चा करें, जो रोज बातचीत हो रही है उसमें इस पे चर्चा करें, और लगातार प्रेरणा उत्साहवर्धन तारीफ करना जारी रहना चाहिए। ये प्रोजेक्ट के नेक्स्ट जो स्टेप थे वो
की रिपोर्ट लेते रहे ये सब, तो एक काम में पूरा, जैसे बड़ा मान लो आज वार्षिक समारोह हो रहा है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, तो बड़ा प्रोजेक्ट में क्या होता है, सब साथी रिपोर्ट भी निरंतर ले रहे हैं, काउंसलिंग भी हो रही है, उसमें भी चर्चा हो रही है कि किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, तो वो एक प्रोजेक्ट वैसे ही हर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तैयारी में प्लानिंग से जल्दी संतुष्ट नहीं होए, बेहतर से बेहतर करते जाए, ये हमें ध्यान रखना है। हर तैयारी में या हर प्लानिंग में अतिरिक्त को अवश्य शामिल करें, एक्स्ट्रा प्लानिंग करें, एक्स्ट्रा तैयारी करें, जितनी चाहिए उससे डबल ज्यादा फॉलोअप भी अतिरिक्त करें वे करवाएं। नेक्स्ट है अपने ऊपर ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी, जो मेन साथी है वो कोशिश करेगी अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं रखे, और ताकि रिपोर्ट लेना, ट्रेनिंग देना, कहाँ क्या हो पा रहा नहीं हो पा रहा, वो प्लानिंग में और उसमें ज्यादा ध्यान दे, और जो गतिविधियां वो बाकी साथियों से करवावे, तो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चल पाएगा। एक साथ ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट बनाए, ताकि तो जो मिलते जुलती एक्टिविटी होती है ना वो भी साथ में बना सकते हैं, मतलब दो प्रोजेक्ट हो गए, चार प्रोजेक्ट हो गए, जो उससे रिलेटेड है। मान लीजिए अपन ने बनाया ज्ञान केंद्र का प्रोजेक्ट, बनाया इतने ज्ञान केंद्र तैयार करेंगे, तो उसी के साथ ज्वेनिंग का भी बना दिया कि हमारी हर ज्वेनिंग सक्रिय होगी, उसी के साथ ये भी बना दिया कि हम ग्रुप ज्वाइनिंग करेंगे और मल्टीप्लाई ज्वाइनिंग करेंगे, उसी के साथ ये भी ले लिया कि कितने साथी नए रॉयल्टी वाइटल वगैरह तैयार कर देंगे, ये सब क्या आपस में ज्वाइंट है, एक दूसरे के संबंधित प्रोजेक्ट है, इस तरह से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट बनाए। तो ये अपने पहले डिस्कस तो कर लिया था, आज जस्ट अपन एक रिवीजन किया है कि वापिस किसी और अच्छी तरह से हमें ध्यान में आ जाए। अब हम करेंगे जो भी साथी प्रोजेक्ट अच्छा, जिनको विश्वास हो कि मेरा प्रोजेक्ट की और बताने, मेरा जो प्रोजेक्ट है और उसकी जो मेरी तैयारी है वो सबको बताने लायक है, उससे सबको प्रेरणा मिलेगी, अपने लिए नहीं सोचना, अभी आप शिक्षक बन गए तो आप जो बोलेंगे वो सारा राष्ट्र सुनेगा, तो आपके प्रोजेक्ट में वो चीज होनी चाहिए जो सबको सीखने को मिले, आपकी तैयारी में वो चीज होनी चाहिए जो सबको सीखने को मिले, आपके पास स्पष्टता होनी चाहिए बताने की और आप अच्छी तरह से बोल सकते हो, तो जिनको विश्वास है एक बार वो आएंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। आइए मनाली, क्योंकि जी सर, किसी भी कार्य को केवल जान लेना और सुन लेना, नोट कर लेना, उससे काम नहीं होता, उस कार्य को हमें परिणति में लाना, तो इसको अच्छी तरह से सीखना और सभी साथियों को ध्यान से सुनना है, कोई भी साथी जो यहाँ बोलेगा उसकी अच्छी बात लग रही है वो आपको ले लेना है, उसकी कोई गलत बात लग रही तो आपको उससे बचना है, बस वो हमारा निर्णय जो है, हमारा भीतर का गुरु है और जो रवैया हमारा सीखने का वो हमें बता देता है, लेकिन बहुत सारी नई चीजें, अच्छी चीजें आएगी वो तो हम सीख सकते हैं। यस शुरू करें सर। आइए, रंजीत कुमार सिंह सर। चरण स्पर्श और हमारे जितने भी गुरु सबको, हमारा उद्देश्य या हमारा टीम का बहुत अच्छा उद्देश्य जो ये जुड़ा सर नेटवर्क इशू है है। सर, मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा, मतलब आवाज कट कट के आ रहे हैं आपका। नहीं आ रहे थे सर आवाज। आइए श्रीनाथ सर। प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया है हरित संजीवनी टीम, न्यूट्रिशार्ट टीम।
पहला, हरि संजीवनी टीम के खरीफ और रवि के सीजन के पहले ही उन किसानों से संपर्क करके उसके लिए टीम को कहता हूं, जिन किसानों ने पिछले सीजन में हरि संजीवनी का उपयोग किया उसके लिए उन लीडर्स के निरंतर संपर्क में रहता हूं, फीडबैक लेता हूं और अपने डायरी में नोट करता हूं। पुरानी फसल के रिजल्ट और वीडियो का संग्रह अपने और टीम के मोबाइल में हो यह सुनिश्चित करता हूं। संबंधित किसान के परिचित और उसके खेत के आसपास इस के किसानों से प्रमाण। बिना भी एक मिनट रुक जाइए, ये इसमें प्रोजेक्ट वाली बात नहीं नजर आ रही, ये तो आपका एक सामान्य तरीके से जो आप करते हैं वो सारी चीजें दिख रही है, जी आपका सर प्रोजेक्ट ही पता नहीं लगा कि क्या प्रोजेक्ट है, जी आपने प्रोजेक्ट बताया नहीं कुछ, फिर उसकी जी सर तैयारी क्या होगी नहीं बताया। जी सर आप अपनी व्यक्तिगत तौर पे जो आप कर रहे हो बता रहे हैं तो उससे कुछ जी सर पता ही नहीं लगा कुछ भी। प्रोजेक्ट जी सर बनाना है, हमें प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, कोई प्रोजेक्ट बनाइए तो इससे मैं आपको ले पाएंगी। आगे बढ़ते हैं सर। आपने कल परसों तो क्या बोला था, 1 लाख एकड़ का हरित संजीवनी ऑर्गेनिक, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट पहले वो बताइए कि ये प्रोजेक्ट है मेरा जिसमें 10,000 एकड़ इस टाइम तक पहुंचना है, उसके लिए इतनी टीम मैंने साथ में ले रखी है, ऐसे बताना। आप इसको बताना चाहेंगे? सर, इन सभी कार्यों को खूबसूरत देने के लिए, सभी कामों के लिए लीडर्स को अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो खींचने की आदत डलवा रहा हूं सर। और चलिए, जो आप भी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरे राष्ट्र को, पर अभी के लिए माफी चाहिए, अभी जो अभ्यास हम कर रहे उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, बाकी तो आपसे तो पूरा राष्ट्र सीखने वाला है। वो उदाहरण है कि हरित संजीवनी पर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है इन्होंने ऑलरेडी, और कार्य भी कर रहे हैं पर यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना जी सर, आइए प्रयास। एक अलग कला, करना एक अलग कला और बताना एक अलग कला। यस प्रियांशु, आइए भैया बोले। प्रियांशु भैया। हाँ जी, टीम में रिजल्ट कैसे बढ़े उसको लेके हम कैसे काम करें, और उसको लेके हमने एक प्रोजेक्ट बनाया बिजनेस रिपोर्ट डैशबोर्ड का। तो उसको लेके हमने कुछ पॉइंट लिखा बिजनेस है। का बिजनेस का जो हमारा रिपोर्ट है, मतलब जो हमारा बिजनेस हो रहा है उसको एक अपने आंखों के सामने कैसे हम लेके आए जिससे कि हम अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, रिपोर्ट बनाने का। तो अभी मैं इस पे काम कर पहली रहा हूँ बात तो सर। बिजनेस शब्द को ही अपने पूरे सिस्टम से रिमूव करना, सबसे बड़ी गलती तो यही हो रही है। इतने अभियान दिन क्यों लगे, मतलब क्यों क्यों ध्यान नहीं देते हैं अपन एजुकेशन पर? बिजनेस तो तो शब्द इस्तेमाल ही परफॉर्मेंस नहीं करना, तुम कहीं भी ग्रोथ कार्ड बोल सकते हो, रिपोर्ट कार्ड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बिजनेस ही बोलना जरूरी है। जी सर, ग्रोथ कार्ड बोल सकते हैं, ग्रोथ कार्ड प्रोजेक्ट नाम दिया मैंने इसको। तो ग्रोथ इसमें कार्ड, यस। हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि जैसे कि हमारे कितने ग्रुप हैं, पहले उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। फिर उस ग्रुप में हमारे बिजनेस किस किस जगह पे है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर उसमें कितने कितने ज्वाइनिंग हमारी हुई हुई है, कितने नंबर टीम मेंबर्स कितने हैं, उसके बाद उस टीम मेंबर्स के माध्यम से कितना कितना बिजनेस हमारे किस किस शहर से आ रहा है ये भी हम निकाल सकते हैं। फिर टर्मिनेटेड आईडी बिजनेस कितने नहीं हैं। आ रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा है। जिस परफॉर्मेंस हो रहा है दिन बिजनेस शब्द हट जाए उस दिन आना है। पुराने चश्मे को उतारा भी है इसीलिए तो दिक्कत आती है। ये प्रोजेक्ट भी कुछ मतलब समझ के बाहर है, ये तो काम करने के तरीके वगैरह कुछ भी अलग ही चीज जा रही है। प्रोजेक्ट तो ये होता कि हमने हर महीने 50% ग्रोथ का एक प्रोजेक्ट बनाया,
प्रोजेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं आया सबसे पहले तो। एक किसी में सर कंसिस्टेंसी का लिया है कि कंसिस्टेंसी में कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने का एक प्रोजेक्ट है। नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट कंसिस्टेंसी को बढ़ाने का प्रोजेक्ट हो सकता है, जानने का थोड़ी प्रोजेक्ट होता है। अपन तो अभी जान ही रहे हैं कि हमारे क्या चल रहा है, रिजल्ट लाने का होता है प्रोजेक्ट, तो काम करने का होता है कि मैं अब हमारी टीम में कंसिस्टेंसी को बढ़ाएंगे, इतने परसेंट बढ़ाएंगे, या हम सबको जो है 100-1500 वालों को 2500 में लाएंगे, ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट केवल हम जान रहे हैं, तो जानना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो एनालिसिस करना है, इससे ग्रोथ भी कैसे आएगी, जानने से ग्रोथ तो नहीं आएगी। इसके लिए तो फीस देकर पर्सनल काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। एक बार दीनानाथ सर को बुलाया सर। हाँ बुलाए जी, आइए सर। प्रोजेक्ट यस यस अभियान में नए साथियों की गुणवत्ता प्रोजेक्ट का जो नाम है, सबसे पहले टीम में 10 कोर साथियों का सेलेक्ट करूंगा। एक मिनट को, अभियान में नए साथियों की गुणात्मकता, सब साथी समझते हैं, मतलब जो भी ज्वाइनिंग आएगी वो ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग निकलती रहेगी, मल्टीप्लाई ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग आके रुकेगी नहीं कोई भी ज्वाइनिंग। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया यस, इसके लिए क्या 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 बताओ। इसके लिए सबसे पहले पूरी टीम से 10 कोर साथियों का सिलेक्ट करना। 10 साथी जी, 10 से कम हो जाएगा? हाँ होगा सर, लास्ट तक पता चल जाएगा कि होगा। 10 से होता है, 10 से हो रहा है तो 20 चाहिए, अपने उसने लिखा हुआ है कि डबल जी। और लास्ट में सर इसके लिए सर क्राइटेरिया जो है, कोर साथी कौन हो सकते हैं, कोर साथी का मतलब मैंने इसको लिखा है जो ठीक है, 10 कोर साथी है। हाँ, जो प्रति माह कम से कम डायमंड क्लब वो भी प्रोडक्ट रिटेलिंग वो क्या करते हैं वो छोड़ो अभी, और क्या है 10 कोर साथी हो गए जी। बाकी क्या तैयारी की? इन कोर साथियों के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 2 नए साथियों को इस अभियान के बारे में प्रचार करना। डेली 2 को बताएंगे अभियान के बारे में जी। 2 नए लोगों को बताएंगे या 2 नए समूह को बताएंगे? सर अभी तो मैं जो लिखा हूँ उसको फिर आंकड़ा बनाया हूँ, 2 कम से कम, न्यूनतम प्रतिदिन कम से कम 2 नए साथियों का समूह तो एक्स्ट्रा हो जाएगी उसपे। हाँ जी, उसपे सबको ये सिखाओ कि अभी जब भी अभियान के बारे में बताना हो तो सिंगल को मत बताओ, सिंगल को क्यों बता रहे हैं, अकेले को। मान लो मैं दीनानाथ को बताना मुझे, तो मैं दीनानाथ से जो भी टाइम लूंगा कि चलो मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो आपके और जो 5-10 जानने वाले हैं उनको सबको एक बार बुला लीजिए आप, बहुत बढ़िया चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा आपको। पर
10 साथी 5 साथी जो भी आपके उनको एक साथ बुला लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। या अपनी कोई जगह है, ज्ञान केंद्र है, वहां लेकर आइए आप। हम क्यों एक एक को बता रहे? नहीं समझ में आई बात? नेटवर्क कैसे हो गया? जी सर, अभी नेटवर्क थोड़ी सी है तो बात समझ में आई कि नहीं? सर मुझे तो नेटवर्क इशू हो गया, तो मैं तो सुन नहीं पाया। जब हम अभियान के बारे में बता रहे हैं तो हम अकेले अकेले को क्यों बता रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, उस 5 7 10 को इकट्ठा बताओ ना, पहले ही शुरू में बताना जल्दी, संभव है कि नहीं है? सोचो, सब साथ ही सोचो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बात करो। जब आप अभियान के बारे में बताना है तो आप एक को क्यों बता रहे हो? एक को बताने में और 5 को एक साथ बताने में क्या दिक्कत है? 5 को बताएंगे तो आप भी ज्यादा सीरियस होंगे बताने में, और वो भी ज्यादा सीरियस होंगे, और हमारा इतनी तैयारी होनी चाहिए कि हमारे सामने कितने ही हो हम सबको अच्छी तरह से प्रभावित कर पाए। तो एक शब्द हमें लेना, ग्रुप ज्वाइनिंग, समूह ज्वाइनिंग, सामूहिक ज्वाइनिंग, एक एक को करवाना ही नहीं, ये छोड़ दो आप। समूह से समूह, एक से गुणा एक होगा तो पूरे महीने में कितने हो पाएंगे? 2 4 हो जाएंगे, पर 5 से 5 होंगे तो महीने में 100 हो जाएंगे। कोई चैलेंज है किसी को? कुछ चैलेंज हो तो बात करो, मैं तरीका बता दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूं। ग्रुप ज्वाइनिंग में चैलेंज आ सकता है क्या? कोई दिनेश से ना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? यस सर, यस सर, बिल्कुल ऐसे करना क्या किया जा सकता है इसके लिए? सर। इसके लिए सर जो अपन जो प्रोजेक्ट जैसे अपन बनाया सर, नहीं जो नहीं ग्रुप एक देने के लिए क्या किया जा सकता है? हम जब बताए तब ग्रुप को ही बताए, फिकर को नहीं जी बताए। जी नहीं, तो सर उनके घर में इसलिए सर फील्ड वाले ज्यादा प्रैक्टिकल बात कर सकते हैं। मैं जी ओके, जी सर इसके लिए सर अपन होम मीटिंग करेंगे सर, यस, वेरी होम गुड। मीटिंग। तो होम मीटिंग में जिसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे कि आप 5 7 जने एक साथ आओ, इनविट। अरे यार, इसमें आप क्या, अभी आपकी पुरानी प्रैक्टिस जो है ना इतनी चिपक जाती है कि आप उसको चेंज ही नहीं करते। आपके घर में किसी को इनवाइट करते हो, आपके पार्टी है, शादी है, एनिवर्सरी प्रोग्राम है, बच्चे का मुंडन है, जो भी है उसमें इनवाइट करते हो, तो कभी किसी को जी इनवाइट करते हो कि आप आना अकेले, और आप कभी किसी को इनवाइट करते हो कि पूरी फैमिली आना, करते हो कि नहीं करते हो? यस सर, यस सर, तो आपको प्रैक्टिस चेंज करनी है। तो आप जब भी होम मीटिंग में होता हो, मोनालिसा आपको आना है, लेकिन आपके 10 फ्रेंड्स को लेकर आना, जी इनवाइट ही ऐसे करना और फॉलोअप भी ऐसे ही करना। तो यस ये सर, कार्य जो है ना, एक ऐसा कार्य है जिसमें ग्रुप की जरूरत होती है, समूह चाहिए, इसलिए आप, और बहुत ही बढ़िया कार्य है, आपको मजा आ जाएगा। वो आपको इन्विटेशन में सीखना है, लेकिन ग्रुप को बुलाओ। एक होम मीटिंग में एक इधर से बुलाया, एक उधर से बुलाया, एक उधर से बुलाया, उसकी बजाय 2 ग्रुप को बुलाओ, 4 ग्रुप को बुलाओ। समझ गए सब साथी अच्छी तरह से? जी एक सर, एक चीज को थोड़ा सा भी गहनता से ठीक करते हैं। ये बात मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी उसमें, तो ट्रेनिंग में, लेकिन अब हमें प्रैक्टिस में लानी है। तो कोई और किसी को कंफ्यूजन है कुछ? बस आप ये प्रैक्टिस चेंज कीजिए ना, कि हमें ग्रुप में बुलाना है, होम मीटिंग में आप बुला सकते हैं, आपके ज्ञान केंद्र में आप बुला सकते हो, आपके वितरण केंद्र अंडरवर्ल्ड क्विक में बुला सकते हो, आप उनके घर पे बुला सकते हो,
जैसी परिस्थिति जहां बनती है, जहां सुटेबल है, आप आपके घर पे बुला सकते हो। ये आपको देखना है, इतनी अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए कि कहाँ बुलाने से ये कार्य ज्यादा अच्छा है, कहाँ ठीक है, कहाँ उतनी जगह है, कहाँ मेरा काम अच्छा बन पाएगा, कहाँ वो आ पाएंगे। अपने दिमाग में पहले से एक नहीं आएगी, ग्रुप तो आएगा ही, है ना? इसको हटाना, फिर आप बात करोगे तो ग्रुप को आना, फिर आप उनसे किस किस के है, कौन कौन को बुला सकते हो, लिस्ट भी बनानी करना, नए को भी, नए में भी आप ग्रुप को ही बुलाइए। ग्रुप तो सबके होते हैं ना, केवल हमारे दिमाग में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में ग्रुप ही ग्रुप है। अकेला है क्या इस धरती पर कोई भी? कोई अकेला नहीं। चलिए एक बार दिनेश सर को ही बुला दो, दिनेश सर आपका। अभी वो प्रोजेक्ट आगे चला नहीं ना, वो तो उसकी एक तैयारी पे चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने ज्वाइनिंग को मल्टीप्लाई करने का प्रोजेक्ट जो चल रहा था दीनानाथ भैया का, एक विषय है उस पर इतनी चर्चा की है, अब दूसरे विषय पे क्या तैयारी की और उसको भी सब जानते जानेंगे। पर ये ग्रुप में ज्वाइनिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बात करो किसी को भी, किसी को भी कुछ या प्रश्न है मैं तो एक तरीका बता दूंगा आपको, इसलिए पूछ रहा हूँ। बार फिजिकल। अच्छा अर्जुन सर आइए। जी सर, जैसा कि सर मैं जब ग्रुप प्रोग्राम करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे 10 अगर 15 लोग बैठे हैं उस प्रोग्राम में, तो जी आवाज़ जा रही है मैडम, तो 10-15 लोग जब बैठे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई एक दो साथी ऐसे होते हैं जो निगेटिविटी होते हैं, तो वहाँ पे माहौल को कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, या कभी कभी मेरे प्रोग्राम खत्म कर देने के बाद जब वापस चले आने के बाद फिर वहां पे क्या करते हैं, निगेटिविटी फैला देते हैं और वहां से आईडी निकलना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, लोग आनाकानी करने लगते हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। और मैं जब पर्सन होम टू होम पर्सनल जा जा करके मैं देखो अगर प्रोग्राम किया हूँ तो वहां से रिजल्ट मुझे अच्छा आया है। ये अभी आपको बताना अच्छे से नहीं आया, इसलिए आप थोड़ा सा बिजनेस बता रहे हैं, आप लालच बता रहे हैं। आप जिस दिन अभियान के बारे में सही तरीके से बताना सीख जाएंगे ना, तो उस समय क्या होगा कि 10 में से 2 नेगेटिव भी कर रहे होंगे तो 8 नेगेटिव होंगे ही आपकी, उसमें इतनी सर मैं निगेटिव प्रॉब्लम नहीं होता हूँ, सर है। मैं निगेटिव नहीं होता, जैसे जो प्रोग्राम में बैठे रहते हैं नए साथी, 10-15 एक नए बात साथी रहते हैं, मैंने उनको निगेटिव कर। आपकी बात ध्यान से सुन ली, आप भी मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आप जो अभी बता रहे हैं पुराने तरीके से प्लान बता रहे हैं ना, आरसी प्लान, इसलिए आपको समस्या आ रही है। जिस दिन आप बहुत प्रभावशाली और राष्ट्रहित की बात करने लग जाएंगे, इसके मान उद्देश्य की बात करने लग जाएंगे, उनके स्वास्थ्य की बात करने लग जाएंगे, उनके जीवन की सारी चीजों को दूर करने की बात करने लग जाएंगे, उस दिन भले 10 में से 2 नेगेटिव भी करने की कोशिश भी करेंगे तो 8 नेगेटिव नहीं होगी। ये कह रहा हूँ, आप में उतना कोचिंग लानी है, जो वो कहाँ से जाके सीखनी है आपको, अभियान प्रचार का सही तरीका वो सुनिए वीडियो। आधी अधूरी शिक्षा से काम नहीं चलेगा, हमारा हर चीज इतना पावरफुल होना चाहिए, ऐसे डरने से थोड़ी काम चलेगा। नेगेटिव कैसे कर सकता है कोई, कर ही नहीं सकता है। इतना आप अपने को तैयार होना, कोई नेगेटिव कर देता तो अपने को सीखना है कि उसको हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे सुधारें, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भैया। हमें पूरे राष्ट्र में छाना है तो हमें अपनी तैयारी को पुख्ता बनाना पड़ेगा। आरसीएम ने अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता बना रखा है, एक एक चीज इतनी पावरफुल रखी है, तो आपको भी इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन में आना पड़ेगा कि कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता। जहां सब कुछ सबके हित के लिए इतनी राष्ट्रव्यापी अभियान है, उसमें कौन नेगेटिव कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। क्या करेगा, हम तो डोनेशन थोड़ी मांग रहे हैं, डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं,
केवल बताने का तरीका में आप पुराना जो तरीका है वो तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, उसमें तो सब लपड़े, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए सभी जी साथी सर, इस बात को भी समझ लिया ना अच्छे तरीके से, भी पुराने को छोड़ना पड़ेगा आप, आपको बढ़िया वाली एयरजेट में आनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछने से क्या होता है, सबका हल मिल जाता है। आज अलग तरह का कार्यशाला है, ये ज्यादा सीखने का कार्यशाला है। आओ दिनानंद मैं सर पूरे समूह के ही मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मिनिमम सर मैं आधार 2 का बनाया था, लेकिन उसको सर और बढ़ाएंगे। और इसमें सर नेक्स्ट पॉइंट जो रखे हुए हैं कि पूरे माह में कोर साथियों के द्वारा कम से कम 2 अभियान प्रचारक तैयार करना, यानी 10 के कोर सेलेक्ट किए हुए हैं तो कम से कम 20 की संख्या में नए प्रचारक को पूरे माह से। ठीक है, ये हो गया पूरा प्रोजेक्ट। जी, इसके अंदर सर कैलकुलेशन निकाले हैं, कैलकुलेशन में ये 10 कोर साथियों के द्वारा अगर मैं प्रतिदिन 2 भी साथी को हम अभियान में शामिल करते हैं तो प्रतिदिन का जो है प्रति माह का प्लान जो होता है 10 कोर साथियों के माध्यम से 600 प्लान को हमने तैयार किया, जिसमें जी जी जिसमें जी हमें तैयार करने के बाद जो है कि 2 कोर साथी का नया तैयार करना, यानी 20 नए कोर साथी और पहले से मेरे पास 10 यानी 30 हो जाते हैं। और ये डायमंड क्लब की संख्या में अपना 1 लाख का टर्नओवर होती है, यानी 20 × 5000। नहीं, वो सब ठीक है। अब अपन जो वो ट्रेनिंग थी उस ट्रेनिंग के अनुसार चलते हैं, तो उसकी क्या क्या बातें अपन ने ध्यान रखी ये देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रतिदिन, मतलब आप टाइम डिसाइड करेंगे कि वापस संपर्क में रहेंगे, लगातार संपर्क में रहेंगे, लिखा हुआ है ना उसमें। यस इस प्रोजेक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम प्रति, मतलब कितने दिन में वापस काउंसलिंग होगी, सर, इसमें सर और भी इसमें मैं एक बार लिखा लेने का लिखा हुआ है। अब सुन लीजिए, अब मत बोलो, क्योंकि अपने को जो बताना था तो बोल बता दिया। अब मेरे कहने से फिर हर चीज को बोलते हो कि हाँ ऐसे लिखा हुआ है। अपने ने तो ये लिखा हुआ है इसमें कि कब कब हम वापस मीटिंग करेंगे, कौन रिपोर्ट लेगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, नहीं आ रहा कहीं, तो प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, बीच में ड्रॉप हो जाएगा, ये सारा चीजें इसमें नहीं आ रही। दूसरा ट्रेनिंग पार्ट नहीं आ रहा है कि हम निरंतर ट्रेनिंग देंगे उन 10 कोर साथियों को, एक ट्रेनिंग से काम भी चलता है। ऐसे उस पूरी ट्रेनिंग को देखो कि उस ट्रेनिंग में क्या है, वो सारी चीजें कवर हुई कि नहीं, वैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अतिरिक्त